नमस्कार, मैं सुरेंद्र श्रीवास्तव लोकनाथ से। डालते हैं आज की खास खबरों पर नजर। ग्वालियर की सबसे बड़ी जनपद पंचायत मुरार की कमान 22 साल के युवा के हाथ में आ गई है। जी हां, मुरार जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में 22 साल के पोस्ट ग्रेजुएट युवा को जनपद अध्यक्ष चुना गया है। वार्ड 5 से सदस्य का चुनाव जीते 22 साल के दिलराज किरार मुरार जनपद अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। मुरार जनपद पंचायत के लिए कुल 25 सदस्यों ने मतदान किया। अध्यक्ष पद के लिए मुरार में ओबीसी मुक्त के लिए आरक्षित थी। जनपद अध्यक्ष के लिए बीजेपी समर्थित दिलराज मैदान में उतरे, वहीं कांग्रेस समर्थक पिंकी गुर्जर को चुनाव लड़ाया, जिसमें 25 सदस्यों ने मतदान किया। 18 सदस्यों ने बीजेपी समर्थित दिलराज सिंह को वोट दिया, वहीं कांग्रेस समर्थित पिंकी गुर्जर को महज 7 वोट मिले। इस तरह मुरार जनपद में बीजेपी समर्थित दिलराज ने 11 वोट से जीत दर्ज की है। बीजेपी समर्थित दिलराज किरार राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के समर्थक हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने वाले दिलराज का कहना है कि जनपद के सभी गांवों का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जी बताइए, किस तरह का चुनाव? अध्यक्ष के चुनाव में मुझे एक मत बहुमत मिला है और चुनाव अच्छा रहा, और जैसी मुझे आशा थी वैसा मेरी तरफ वोटिंग हुई और बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। कितने वोटों का? मुझे 25 में से 18 वोट मिले। मैं इसका पूरा श्रेय माननीय मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा जी को और अपने जो समाज और अपने जो जो साथीगढ़, इन सबको अपना श्रेय देना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से ही, इससे पहले मैंने जनपद सदस्य में भी निस्वार्थ जनता की सेवा की है और आगे ही मैं निस्वार्थ ही जनता की सेवा करता रहूंगा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र महज 23 के लमसम है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पीजी भी की हुई है मैंने।